अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह कल्याणी ने बताया कि समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और सही कार्यकर्ता बढ़ाने का सरकार का पूरा जोर है। इसके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर हर माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाएगा। इसमें सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। 21 तारीख को राजकीय अवकाश होगा तो 22 को यह दिवस मनेगा। मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भी परिवार नियोजन सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन सेवाओं की समुदाय स्तर पर प्राप्ति जरूरी है। इसमें 1 जनवरी के बाद प्रसव वाली वह महिलाएं जो उच्च जोखिम गर्भ अवस्था HRP के रूप में चिंतित की गई थी, वह योग्य दंपति जिनके 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं, बच्चों को लक्षित किया जाना है। आशा कार्यकर्ताओं की इस पहल में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की लक्ष्य समूह है। समूह की महिलाओं की लाइन लिस्टिंग करेगी। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस BHND का दिन यदि किस तारीख को पड़ता है तो वह उस दिन को परिवार नियोजन के साधनों पर केंद्रित करते हुए खुशहाल परिवार दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। किस तरीके का खुशहाल दिवस मनाया जाएगा, क्या रहेगा? प्रत्येक माह के 21 तारीख को पहले भी पुरुष निस्बंदी शिविर मनाया जाया करता था। इसी दिवस को वर्तमान सरकार ने खुशहाल दिवस, खुशहाल परिवार के रूप में मनाने का फैसला किया है। क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत हम लोग जो परिवार नियोजन की सेवाएं देते हैं, ये एक दिन सभी लोगों के लिए, विशेषकर वो परिवार जिनमें बच्चों की संख्या 2 या उससे ज़्यादा हो गई है, उन लोगों को पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी के लिए प्रेरित करना, और जो भी सर्विसेज हमारे यहाँ परिवार कल्याण की उपलब्ध होती हैं उनको कैफेटेरिया अप्रोच के रूप में देना, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार है वो लाभार्थी के पास होता है, और जो भी सुविधाएँ हमारे पास होती हैं उनको हम बता देते हैं, उसमें से चुनने के लिए उनको छूट दे दी जाती है। इसमें से वो जो भी सुविधा चुनना चाहें वो सुविधा चुन सकते हैं, और जो भी वो उनके तरीके होते हैं परिवार कल्याण के, उसके फायदे और नुकसान उनको समझा दिए जाते हैं, और उसके आधार पे वो परिवार जो है वो अपने स्थिति के अनुसार जो भी साधन अपनाना चाहे उसको अपनाता है। इसमें 21 तारीख को सपोज करिए अगर अवकाश का दिन होता है तो फिर अगला जो भी कार्य दिवस है उस दिन वो प्रोग्राम बनाया जाता है। किस तरीके से रहेगा, पहले तहसील वाइज या ब्लॉक वाइज या क्या? ये प्रोग्राम जो है सभी जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे मनाया जाता है, और सभी जिला अस्पतालों में पुरुष निस्बंदी शिविर लगाए जाते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पहले से ही जो हमारे पुरुष नसबंदी के शल्यक हैं उनकी ड्यूटी पहले से लगा रखी है। और कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि अगर किसी ज़िले में कोई शल्यक उपलब्ध नहीं होता है तो हमें दूसरे ज़िलों से भी शल्यक मंगाना पड़ जाता है। जैसे अभी पिछले 21 तारीख को हमारे डॉक्टर राम बिहारी जो है वो ईटा में पुरुष नसबंदी के लिए गए थे, और वहाँ पर भी वो वहाँ का शिविर अटेंड करके आए थे। वही कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना भी है, तो इस तरीके से क्या जांच भी कोरोना काल में, चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी सभी चीज़ें सारी सुविधाएं धीरे धीरे खोल दी गई हैं, और ये परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है ये इस वर्ष में 7 महीने निकल गए, 7-8 महीने निकल चुके हैं, 4-5 महीने बाकी हैं, और जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको भी पूरा करना है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग कोविड के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए देते हैं, और इसमें सभी जो भी लाभार्थी हैं उनका हम एंटीजन टेस्ट पहले से करा लेते हैं, और अगर उसमें जो भी उसका नतीजा होता है